हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्तीज ब्लॉग्स। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये वही पप्पी है जिसका मैंने एक वीडियो पहले छोड़ा हुआ है। एंड इसका ये थर्ड डे ऑफ ट्रीटमेंट है गाइस, सेकंड डे का वीडियो नहीं मिला, अगर मिले तो मैं पोस्ट कर दूँगी आपको। तो मैं ये थर्ड डे वाला शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो वो उसका जो होल हो गया है उसमें गॉज उसको एंटर करके क्लीन कर रहे हैं, जो भी पस है एंड ब्लड है वो क्लीन कर रहे हैं। और ये गाइस ब्लड से उसका जो हेयर है उसको साइड साइड रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज उनको क्लीन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और ये जो ब्लड से कर रहे हैं उससे पप्पी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और साइड में मतलब हेयर को रिमूव करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए ये अभी सलाइन वाटर जो है वो उस होल में डाल रहे हैं डॉक्टर जो थे, एंड उसको कुछ मेडिसिन वगैरह लगाना था शायद। अभी कॉटन से उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं होल को, बिकॉज क्लीन नहीं करने से वो घाव जो है वो बढ़ सकता है। और गाइज, हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम लवल सर्वल फाउंडेशन है। हम लोग एनिमल्स एंड नीडी पीपल लोगों का हेल्प करते हैं। और आप लोग फेसबुक में भी हमें फॉलो कर सकते हैं लवल सर्वल पेज में। देखिए गाइज, अभी इनको मतलब पप्पी को जो है उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। सो गाइज, अभी जो डॉक्टर थे वो इंजेक्शन से हेल्प से जो होल है उसमें बेटाडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, बिकॉज वो अंदर जाएगा और घाव जो है वो जल्दी सूख जाए। आप लोग देख सकते हैं। एंड फिर इसको गाइज बैंडेज कर देंगे। देखिए गाइस, इसका होल पहले जो है वो थोड़ा सा मतलब स्वेलिंग हुआ था, अभी जो है वो स्वेलिंग जो है थोड़ा सा कम गया है। गाइज, इसको बैंडेज जो है वो नहीं किया गया, बिकॉज डॉक्टर बोले कि अगर बैंडेज कर लोगे तो वो घाव जो है वो और पच मतलब घाव बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही छोड़ देना नॉर्मल। और इसको ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दिए थे मेडिसिन लगा के। और ये देखिए, इसको हम वो जहाँ पे रहता था उसको हम लेके आए थे और उसको हम बिस्किट अच्छे से खिलाए, बहुत भूखा था वो। एंड वहाँ पे ऑटो स्टैंड है गाइज, और वो अंकल लोग भी इसको खाने देते थे, बहुत ही अच्छे हैं अंकल लोग। और देख यहाँ पे जितना भी डॉग हैं उनको खाने देते हैं अंकल लोग। देखिए कितना एक्साइटमेंट में ये खा रहा है। और गाइज, ये कुछ क्लिप है लॉकडाउन के टाइम में हम लोग फीडिंग कराने के लिए जाते थे, और ये एरिया सेक्टर 16 इस्पात कॉलेज के पास का है। और यहाँ पे बहुत सारे पपी थे और अभी तो बड़े हो गए होंगे, लाइक 15-16 इतना तो थे गाइज। और हम लोग को जैसे देखते वो लोग भागे चले आते हैं, उनको पता था कि हम लोग उनको खाना खिलाएंगे। और बहुत क्यूट क्यूट पपी थे गाइज। तो आप लोग भी आपसे जितना हो सके अपने आसपास के एनिमल्स को फीड कराएं, यही मेरे रिक्वेस्ट है। और हमारे वीडियो शेयर करने का यही मोटिव है कि आप लोग भी हमसे देख के इंस्पायर हों और दूसरों की मदद करें गाइज। तो जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। और
ये बेजुबान है गाइस, ये तो बोल नहीं सकते उनको भूख लगने से भी। सो आप आपसे जितना भी हो पाए आप हेल्प करिए, और आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं उनको फीड कराएं। होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में अपना फीडबैक हमें कमेंट में शेयर करिए। एंड जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस टाइम पे मिलती रहेगी। गाइस तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।